viewers, welcome to C2C News, and we are happy we got very good reviews for the first episode of In Layman Terms, along with Colonel Manish Jaitley. Proud to have you again on the show, sir. Namaskar. सभी श्रोता को एक बात बताना चाहूंगा. आज का शो जो है, कंपेयर टू द प्रीवियस शो, वील बी फोकसिंग ओनली ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस एंड वट एवर इज हैपनिंग एट LAC. और उसका जो कारण है वो आप जानते ही हैं. काफी सारी एक्टिविटीज हुई है पिछले पहला एपिसोड जो हम लोग का हुआ था इन लेमन टर्म्स और ये वाले एपिसोड के बीच में. और अच्छी बात यह है, हमारी भारतीय सेना को काफी कामयाबी मिली है. और इस कामयाबी के अलावा काफी सारी एक्टिविटीज हो रही है सरकारी स्तर पर और LAC के ऊपर भारतीय सेना की तरफ से भी. ये सारी जानकारियां, बहुत ढेर सारी जानकारियां हो गई हैं अभी मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के ऊपर. उनको संक्षेप में उसका जो जिस्ट है, जो हमारे लेमन टर्म्स में हम जो बात करना चाहते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे कर्नल मनीष जेटली के साथ. तो सर, यू लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट एवर हैज हैपेंड एट पेनगोंग सो. फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबिन, थैंक यू सो मच. आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. पेनगोंग सो में जो एक्शन हुआ है उसके सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. और वो इसलिए कि आज तक ऐसा चाइना के साथ किसी ने नहीं किया. हमने पहले भी बात की थी कि चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिफाइंड नहीं. एक जनरल आइडिया है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है. हमारा परसेप्शन है, इंडिया का परसेप्शन है कि लाइन ऑफ कंट्रोल यहां तक है, आगे तक है. और चाइना कहता है नहीं, यहां तक. तो एक्चुअल में लाइन ऑफ LAC डिफाइंड ही नहीं है इस पूरे इलाके. इस एक्शन के बाद हमने वहां पर पेनगोंग सो के चारों तरफ बहुत सी डोमिनेटिंग हाइट्स ऑक्यूपाई कर ली है. और इसकी वजह से चाइना के जितने भी पोजीशंस पेनगोंग सो और उसके चारों तरफ हैं, वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट लाइन ऑफ फायर में आ गए. कहने का मतलब ये है कि पेनगोंग सो में जब भी कोई एक्शन होगा तो हमारा बहुत भारी हाथ, वील हैव द अपर हैंड. और चाइना की पोजीशंस इस वक्त बहुत नाजुक है पेनगोंग सो के इलाके. एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो ये कि जो चाइना की पोस्ट इंडिया की तरफ थी, अब हमारी कुछ पोस्ट उन पोस्ट के पीछे जा चुकी है, यहां तक आ गई है. तो अब आप देख सकते हो कि चाइना की ये जो पोस्ट हैं, हमारी कुछ पोस्ट यहां पर है और यहां पर है. तो इस तरह की जो चाइना की पोस्ट एक लिंब पे बिल्कुल अकेले है, वो अनटेनेबल हो गई है चाइना के लिए. तो अगर वहां पर एक्शन होगा तो ऐसी पोस्ट्स बिल्कुल बहुत जल्दी गिर जाए. और पेनगोंग सो में हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये एडवांटेज है. दैट इज द मिलिट्री एडवांटेज एज ऑफ नाउ. द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आज तक जो डिप्लोमेसी है वो हमारे मिलिट्री एक्शंस को डिफाइन करती है. कि हमारे मिलिट्री एक्शंस क्या होंगे, ये डिप्लोमेसी के ऊपर डिपेंड करता था कि हम ज्यादा एक्शन नहीं कर पाते. लेकिन अब इस एक्शन के बाद जहां पर हमारे पास एक बहुत मेजर मिलिट्री एडवांटेज है, अब ये हमारे डिप्लोमेटिक नैरेटिव को ड्राइव करेगा. आपने देखा होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी मॉस्को में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से मिले. उनकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे आई हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आई हैं. आपने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो क्या था, ये सारा जो कॉन्फिडेंस जो आ रहा है, ये कॉन्फिडेंस पेनगोंग सो में जो हुआ ये वहीं से आ रहा है. और चाइना के साथ 1962 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इलाका, वो जो कहते थे कि नहीं हमारा है, हमने अंदर जा करके वो ले लिया है.
हम तो कहते हैं कि पूरा का पूरा सप्लाई चेन हमारा है, लेकिन LAC भी जो हमारा परसेप्शन था, अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो चाइना को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेंगोंग सो। ऑल दीस थिंग दैट यू हैव शेयर्ड, डज दैट मीन इज वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर विद चाइना? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि चाइना के साथ लड़ाई होगी या नहीं। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट के इलाके को थोड़ा सा अलग अलग करके देखना पड़ेगा। अभी तक जो एक्शन हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो सिर्फ लद्दाख के इलाके में है, और नॉर्थ ईस्ट में अभी तक ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है। लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में हमारे लिए सबसे बड़ा फर्क ये है कि लद्दाख में हम कहते हैं कि पूरा का पूरा अक्साई चेन हमारा है। नॉर्थ ईस्ट में हम जितना हम क्लेम करते हैं, तकरीबन उतना हमारे कब्जे में है। नेफा रिज और उसके आसपास के छोटा थोड़ा बहुत इलाका अगर हम छोड़ दें, तो हम जितना भी हम लोग क्लेम करते हैं कि भारत के हिस्से में है, वो हमारा है, वो हमारे पास। चाइना हालांकि क्लेम करता है कि अरुणाचल उसका हिस्सा है। तो देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लद्दाख एंड नॉर्थ ईस्ट। अभी तक जो एक्शन हुआ है वो सिर्फ लद्दाख में ही हुआ है। अगर आपको अगले कुछ हफ्तों में नॉर्थ ईस्ट में चाइना की तरफ से कोई एक्शन अगर दिखाई देता है या न्यूज में आता है, तो इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पूरी 3,800 किलोमीटर की जो LAC है उसको एक्टिवेट करने के लिए ही इज रेडी। दैट वुड बी अ श्योर शॉट इंडिकेटर कि लड़ाई बिल्कुल हमारे अब सर पे है। अगर एक्शन सिर्फ लद्दाख में ही होता है, सो दैट वुड इंडिकेट कि नहीं, शी जिनपिंग पूरी लड़ाई करने के लिए अभी रेडी नहीं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत लद्दाख में भी रेडी है और नॉर्थ ईस्ट में भी रेडी है। दैट इज द स्टेटस एज ऑफ टुडे। हैविंग सेड दिस, मैं ये कहूंगा कि लड़ाई के चांसेस या प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, और उसका कारण ये है कि चाइना अपने आप को एक सुपर पावर समझता है, बहुत बड़ी ताकत समझता है, और अब जो पेंगोंगसो में हुआ और उससे पहले जो गलवान में हुआ, जिसकी 106 107 कब्रों की फोटोग्राफ्स न्यूज में आ चुकी, ये दोनों जो एक्शन हुआ है, इससे आपने चाइना को एक बहुत मेजर झटका दिया है। तो अब इतना बड़ा जो अपने आप को समझता है, उसको लगता है कि उसकी अब इज्जत के ऊपर बात आ गई है, तो अब वो अपनी क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करेगा या लड़ाई करने की उसमें हिम्मत है। दैट इज दैट डिपेंड्स अपॉन एंटायरली अपॉन शी जिनपिंग्स थॉट प्रोसेस। और जो अभी तक हमने देखा है वो ये है कि ही विल ड्राइव इट वेरी हार्ड। तो चांसेस और लाइक्लीहुड वॉर की काफी हाई है। देयर इज नो एवरीवन इज वेरी कीन टू नो इन केस वी हैव अ वॉर, इसमें यूनाइटेड स्टेट हमारा साथ देगा, क्या संभावना है? एक्चुअल में रॉबिन, इस ये एक क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन ये है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स हमारा साथ देगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देंगे। ओके, क्योंकि एक्शन दोनों तरफ हो रहा है, साउथ चाइना सी ताइवान के इलाके में भी सारी फौजें तैयार और लद्दाख में भी फौजें तैयार हैं। तो यू हैव टू, अब एक्शन कहीं पे भी शुरू हो सकता है, वो ताइवान में भी शुरू हो सकता है, वो
हांगकांग को लेकर के भी शुरू हो सकता है, वो जापान को लेकर के भी शुरू हो सकता है, कहीं पे भी शुरू हो सकता है. दी क्वेश्चन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट की कमिटेड फोर्सेस होती है, जो जापान जो चाइना की फोर्सेज हैं वो कमिटेड फोर्सेज होंगी कि इस साउथ चाइना सी के लिए कौन सी फोर्सेज कमिटेड हैं, टिबेट के इलाके के लिए कौन सी फोर्सेज कमिटेड हैं, जापान के इलाके ऑपोजिट जापान वहां पे कौन सी फोर्सेज कमिटेड हैं. तो गेम ये होगा कि ये फोर्सेज अगर कमिटेड हैं तो अगर एक्शन एक ही जगह पर होता है तो दूसरे थिएटर से फोर्सेज स्विच न करने चाइना को स्विच न करने का मौका मिले, स्पेशली एयरक्राफ्ट आदमी जो सोल्जर्स हैं इन्फेंट्री है या दूसरी चीजें हैं उसमें तो फिर भी समय लग सकता है टू ट्रांसपोर्ट पीपल स्पेशली फ्रॉम द एरिया ऑफ जो उनके ईस्टर्न थिएटर में है या वेस्ट या साउथ ईस्टर्न थिएटर में है, वहां से टिबेट लाने में आसान काम नहीं है. कम से कम 15 दिन का एक्लेमेटाइजेशन और ये सब अगर मिला लो तो ये एक लंबा समय है. बट एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट और जो हैवी लिफ्ट या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन थिएटर टू अनदर. तो अगर एक्शन एक जगह पर हो रहा है और आपने दूसरी जगह पर एक्शन कर दिया तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से फोर्सेज चाइना साउथ चाइना सी की तरफ नहीं ले जा सकेगा और साउथ चाइना सी की तरफ जो फोर्सेज हैं उनको टिबेट की तरफ नहीं ला पाएगा. सो ये दोनों इंडिया और यूएस दोनों के हक में होगा कि ये एक दूसरे की हेल्प करें. और जहां तक अभी बात समझ में आ रही है वो ये है कि दे विल हेल्प ईच अदर डेफिनेटली. वेदर इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल फाइटिंग फॉर यू और नॉट विल ओनली टाइम विल टेल, बट दे विल डेफिनेटली हेल्प ईच अदर इन इंश्योरिंग कि एक थिएटर से फोर्सेस दूसरे थिएटर में ना जा पाए. एंड that includes the question of intelligence sharing. This brings to another question. Like countries like Japan, Korea, Australia, what kind of stand they are going to take? Are they going to watch from distance and or are they going to be actively involved? Jo situation यूएस के बारे में मैंने आपको बताया वो सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया जापान साउथ कोरिया इनके लिए है. इन केस यूएस एक्टिवेट्स एक्शन टू हेल्प अस इट इज क्वाइट लाइकली कि ऑस्ट्रेलिया जापान एज वेल एज साउथ कोरिया विल आल्सो इनिशिएट एक्शन अलोंग विद द यूएस. यहाँ पर शायद आपको पता होगा कि ब्रिटेन का भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां पहुंच गया है और तीन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स साउथ चाइना सी के एरिया में है विच इज अ वेरी वेरी लार्ज फोर्स. तो अगर कोई भी एक्शन होता है तो द अदर कंट्रीज विल डेफिनेटली कम टू हेल्प द यूनाइटेड स्टेट्स. एक बात जो है समझ के परे है, इतने सारे देशों के साथ चाइना एक साथ वॉर जैसी स्थिति क्यों पैदा कर रहा है? दिस इज अ क्वेश्चन विच इज मतलब एवरीबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ऐसा इस वक्त चाइना सबके साथ क्यों लड़ाई झगड़ा मोल ले रहा है. दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन. एक जो बात समझ में आती है वो ये है कि जब कोरोना वायरस या COVID-19 का पूरी दुनिया सामना कर रही थी, मुश्किल में थी, तो चाइना को लगा कि इस वक्त ये जो उसके जितने भी मसले हैं वो सुलझाने का सही समय. उसको लगा कि बाकी देश इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दे पाएंगे COVID-19 की वजह से. जो रिएक्शन आया वो उसको एब्सोल्युटली इट हैज सरप्राइज्ड. अब हुआ यह है कि अपने आप को वो सुपर पावर समझता है और एक बार उसने एक्शन इनिशिएट कर दिया और सामने से उसको जवाब आने लग गया मिलने लग गया है उसी की भाषा में, तो अब उसको बैक डाउन करना
इतना आसान नहीं है। शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर क्या जवाब देगा कि वो क्यों झुक गया सबके साथ? अगर झुकना ही था तो सबके लिए सबके साथ एक्शन इनिशिएट नहीं करना था, एक एक करके आपको एक्शन करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जो लोग देशों ने जिस तरह से स्पेशली इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स जिस तरह से इसका जवाब देने के जितना भी बीड़ा उठाया है वो उनको इट इज अ सरप्राइजिंग, इट्स वेरी सरप्राइजिंग। दूसरा कारण ये है कि कोविड 19 की वजह से चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए हैं शी जिनपिंग। ऐसा काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं कि शी जिनपिंग की पॉपुलैरिटी जिस तरह से उन्होंने कोविड 19 को हैंडल किया वो सही, वो ठीक नहीं थी, उससे लोग खुश नहीं हैं, बहुत से लोगों की जाने गई हैं, बहुत सा इकोनॉमिक बहुत बड़ा झटका लगा है लोगों को। और इसी फीलिंग को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक नेशनलिस्ट कार्ड खेला है, देश की जनता को थोड़ा सा शांत करने के लिए। बट ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड उल्टा पड़ रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज विच शी जिनपिंग हैज टू कोप अप विद। अच्छा, अभी घूम फिर के बाद मेन मुद्दे पे आती है जब भी इस तरह के हालत खड़े होते हैं, और वो ये कि ये जो स्थिति खड़ी हुई है इसमें पाकिस्तान अटैक करने की संभावना कितनी है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि हम लोग ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट दो फ्रंट की लड़ाई एक साथ लड़ेंगे? ये सवाल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस सवाल इसका थोड़ा सा इसमें करंट सिचुएशन को देखते हुए इसमें थोड़ी पेचीदगी आ गई। हमें पहले लग रहा था कि अगर चाइना के साथ में कुछ होता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली आएगा, ऐसा लाइकलीहुड इसकी ज़्यादा थी। बट धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है हमें कि पाकिस्तान शायद नहीं आएगा, और उसका बहुत बड़ा कारण है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इस वक्त बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। उनके पास लड़ाई के लिए पैसा नहीं है, FATF की वजह से और दूसरे जो सिचुएशन दूसरी अपनी फाइनेंशियल हालात को देखते हुए उनकी लड़ाई करने की इस वक्त जो ताकत है वो बहुत कम दिख रही है। एक सिचुएशन एक इंडिकेटर बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि जब आपके टैंक्स या आर्मर फॉर्मेशंस आपकी 30 लोकेशन से अपनी ऑपरेशनल लोकेशंस में अगर वो मूव करती हैं तो इसका मतलब युद्ध के बादल छा रहे हैं। बोथ पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया की संदर्भ में हमारी आर्मर फॉर्मेशंस अभी भी 30 लोकेशंस में। आर्मर फॉर्मेशन आपको पता होगा कि राजस्थान और पंजाब के इलाके में एक्टिवेट उनका ऑपरेशनल एरिया है, तो वहाँ पर अभी तक कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो रही है विच इज अ नॉर्मल थिंग विच इज नाउ बिकम रूटीन काइंड ऑफ। सो आर्मर फॉर्मेशन आर स्टिल इन देयर परमानेंट लोकेशंस बोथ China, both Pakistan as well as India. In case these armor formations move out of their peace locations, तो आपको एक इंडिकेटर मिलेगा कि पाकिस्तान इज ऑल्सो हेल्पिंग आउट चाइना, इज ट्राइंग टू हेल्प आउट चाइना। लेकिन ये सिचुएशन अभी तक नहीं आई है, और अगर हेल्प कर रहा होता तो अभी तक ये एक्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि विंटर्स अब बिल्कुल नज़दीक हैं। चाइना विंटर्स में पहाड़ों पर कोई भी एक्शन होना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है, बहुत
बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो कुछ भी एक्शन होगा तो नवंबर से पहले पहले एक्शन हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद इट विल ओनली हैपन आफ्टर द स्नो मेल्ट। सो अभी तक पाकिस्तान की कोई आर्बर फॉर्मेशन का मूवमेंट नहीं आया है। हाँ, अगर चाइना उनको पाकिस्तान को बोले कि आप ये पैसे ले लो या फाइव या टेन बिलियन डॉलर्स ले लो एंड यू ट्राई एंड मूव योर फॉर्मेशन अहेड, तो आपको लगेगा कि हाँ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू हेल्प, बट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। हैविंग सेड दिस, लेट मी ऐड कि इंडिया दोनों पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे और चाइना वाले बॉर्डर पे दोनों जगह एब्सोल्यूटली पूरी तरह से तैयार है, और इन केस अगर एक्शन होता भी है तो एलओसी हो या एलएसी, दोनों जगह मुंह तोड़ जवाब देगी दुश्मन को, इसमें देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन एनीवनस माइंड। तो फौज इज रेडी, फौज इज केपेबल एंड इंडिया इज इन गुड हैंड्स, वेरी गुड हैंड्स। मनीष जेटली, दिस इज वेरी रीअश्योरिंग टू हियर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम एक्स ऑफिसर लाइक यू एंड व्यूअर्स। सी, दिस इज द वैल्यू दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट बाय हैविंग एक्सपीरियंस ऑफिसर लाइक कर्नल मनीष जेटली विद अस। द शो इन लेमन टर्म्स विल कंटिन्यू विद सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन इन द फ्यूचर एंड we are going to look at all the requests also, but what we have realized, most of the requests that come to us through WhatsApp or through social media, the gist is more or less the same. So I am refraining myself from giving credit to one or more people. The credit goes to all the people who have sent requests on social media through DM or through email. With this, we come to the end of the second episode. Thank you so much, sir. Thank you.